ब्रश ब्रश दिया है ना उधर सर, अंदर का ब्रश का सब उधर ही। यस Thank you.
Please. Jaldi, jaldi. One second. Who is playing? इस बार का घंघोर बाकी टाइम से बहुत अलग रहा है क्योंकि इस बार हम यहाँ पे तारा के गांव में आके घंघोर मना रहे हैं और वैसे हमेशा घंघोर के ये त्यौहार में हम लोग पानी में मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं पर इस बार हम लोग पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कर रहे हैं और हाँ लेकिन काफ़ी गर्मी है यहाँ पर थोड़ी गाँव की फील है लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छी लग रही है ये तो हमारे शो की खासियत है कि हम लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से सजते धजते हैं और क्योंकि आज घंघोर का त्यौहार है और इसमें सारी सुहागने अपने पति के लिए तैयार होती हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी ऑरेंज और रेड कलर का लहंगा पहना है और डबल कलर्ड लहंगा है और इसके साथ जो ये दुपट्टा है ये मेरे को बहुत पसंद आया क्योंकि बेज और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और नथ और बोरला तो है ही जो हमेशा हमारी लुक में ऐड करता है वेलकम गांव में आए थे तो हमेशा की तरह ही किया बस ये है कि गांव में पानी कम है तो जो हम सारी मूर्तियां समर्पित करते हैं पानी में वो नहीं किया बल्कि सारी मूर्तियों पे हमने थोड़ा गंगा जल छिड़का क्योंकि पानी वेस्ट नहीं करना है हमने देखा बस बाकी तो हमेशा की तरह के अनन्या का पहला घनघोर है तारा का पहला घनघोर है तो हम सब भी बहुत खुश है और आशा करते हैं कि उनकी भी जोड़ियाँ हमेशा सलामत रहे अरे बाप रे हम तो खुश हैं सिंघानिया जब भी खुश होते हैं अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनते ही है हमें तो मौका चाहिए अच्छे से तैयार होने का ये गले का नया है ये लाल कलर की चुनरी है जो घनघोर के लिए खास पहनी है तो बस अच्छा है कुछ नए नए सलवार ये घाघरे हमने बनवाए हैं सबने मिल के और मज़ा कर रहे हैं बस थैंक यू घंघोर हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और सारी जितनी भी सुहागने हैं वो लोग अपनी पति को इमेजिन करके शिव जी की मूर्ति बनाते हैं पर इस बार थोड़े अलग ढंग से हमने ये पूजा की है और उसमें दो न्यू मेंबर्स भी ऐड हो गए हैं जिसकी नई नई शादी हुई है अनन्या और दूसरी तारा जिसकी शादी होने वाली है
और हर बार हम लोग नदी के किनारे जाके पूजा करते थे, पर इस गांव में जहां अभी हम हैं तारा के गांव में, यहां पानी की कमी है तो हम बिना पानी के इस बार पूजा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा पहला गणगौर है, साथ ही में नक्श की शादी हो रही है तो तारा का भी पहला गणगौर है और हम इस गांव में आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत अलग तरीके से, जैसे कि अभी कहा कि बहुत अलग तरीके से हम गणगौर सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हम गंगा जल से इस बार सिर्फ गंगा जल छिड़क के हम शिव जी की पूजा करेंगे। लुक्स क्या, हम लोग हमेशा ही जो राजस्थानी एक ट्रेडिशन के हिसाब से तैयार होते हैं, तो मैंने ब्लू एंड पिंक कलर का लहंगा पहना है एंड हैवी ज्वेलरी पहनी है, साथ में इयर रिंग्स हैं, हैवी नथ पहना है, बोरला पहना है, यानी हार पहना है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मैं घर गई, ऑन द वे आते आते पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो इस चक्कर में मुझे रेडी होने नहीं मिला। सो ये सब मैं आई हूँ, जस्ट आई हूँ तो थोड़ी देर में रेडी हो जाऊँगी मैं। मेरा ध्यान नहीं था, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और फिर एक बाइक वाला तेज़ी से आ रहा था, सो उस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया उनका। आज के सीन के बारे में बात ये है कि ऑन द वे हम जब आ रहे थे यहाँ गणगौर के लिए तब एक्सीडेंट हुआ था मेरे पापा का, सो बस उसी के चक्कर में मैं इस तरह से हूँ और हम गणगौर सेलिब्रेट कर रहे हैं। शादी के बाद का मेरा सबसे पहला गणगौर है तो मैं भी बहुत खुश थी, बट जैसे कि आपको पता है कि हर अच्छी चीज़ के बीच में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, तो उसी तरह से मेरा पहला गणगौर है, तारा का पहला गणगौर है, बट छोटे से ग्लिचेस आ गए तो बस कोई बात नहीं, हम आ गए हैं और तारा के गांव में हम गणगौर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पानी की कमी है और इस गांव में भी पानी की कमी की वजह से हम नदी में शिव जी की मूर्ति न बहाकर हम गंगा जल से सिर्फ गंगा जल छिड़केंगे उन पर। आपके डैडी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? शायद थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, मैं रास्ते के बीच में फ़ोन पर बात कर रही थी, बुआ से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सो उसी चक्कर में वो मुझे बचाने आए, बाइक वाला तेज़ी से आ रहा था और एक्सीडेंट हो गया। आप नए परिवार में जाने वाले हैं तो उसकी क्या खुशी है? खुशियाँ तो बहुत है क्योंकि इससे पहले मतलब सब सॉर्ट होने के पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरी सगाई टूट गई थी, लेकिन फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। मेरी जो फैमिली है सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, रणवीर बहुत अच्छे हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग कब क्या कैसे हो सकता है, बट यस मैं बहुत खुश हूँ। आगे के सीक्वेंस के लिए हमें और थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं सब कुछ अभी बता दूंगी तो कोई मज़ा नहीं होगा। फिलहाल रिसेंट में जो हम प्रॉब्लम, ये रिश्ता की जो टीम है जो आपको बता रही है वो भी यही है, दैट इज सेव वाटर। आपने देखा होगा हमारी जो होली थी उसमें भी हमने पानी नहीं यूज़ किया और गणगौर के टाइम पर भी हम पानी नहीं वेस्ट कर रहे, सो प्लीज़।